हमारी धरती पर जीवन का आधार है जो हमें गर्मी और रोशनी देता है। इसी रोशनी से पेड़ पौधे खाना बनाते हैं। अगर सूरज ना होता तो हमारी धरती पर अंधेरा होता और ये एक बर्फ का गोला होती। लेकिन ऐसे कई सवाल हैं जो हमारे दिमाग में अक्सर घूमते रहते हैं कि सूर्य कब और कैसे बना, इसमें ऐसा कौन सा ईंधन है जो हर वक्त जलता रहता है, जो कभी खत्म नहीं होता। क्या कभी हमारे सूरज का अंत होगा? यदि होगा तो कैसे होगा? उस समय इस धरती पर जीवन कैसा होगा? ऐसी ही बहुत सी बातें हैं जो हमेशा हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं, जिन्हें हम आज जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा सूरज कैसे बना। हमारे सौरमंडल की शुरुआत करीब 4.5 अरब साल पहले आकाश गंगा में उपस्थित धूल और गैसों के अत्यंत विशाल बादल से शुरू हुई थी। ये बादल गुरुत्व के प्रभाव से घूमने लगा और सिकुड़ने लगा। गैस केंद्र में ज्यादा सघन होने लगी। ज्यादा गुरुत्वाकर्षण के कारण आसपास की गैस केंद्र की ओर खिंचती चली गई। गुरुत्वाकर्षण की वजह से गैस जमकर ठोस हो गई। वहां का तापमान और दाब बहुत अधिक बढ़ गया, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के नाभिक आपस में टकराने लगे और हीलियम के नाभिक का निर्माण होने लगा, जिससे थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन या ताप नाभिकीय अभिक्रिया शुरू हो गई। इस प्रोसेस में प्रकाश और गर्मी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती गई और फिर जन्म हुआ हमारे सूर्य का। शुरू में इसके आसपास कोई ग्रह नहीं थे, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से चक्कर खाते हुए गैस और बादलों के कण आपस में जुड़ते गए और लाखों साल बीत गए। इस क्रिया में छोटे और बड़े कण आपस में जुड़ते गए और इसने एक बड़े गोले का रूप धारण कर लिया। बची हुई गैस को उसके साथ निकली तेज हवा ने तितर बितर कर दिया, लेकिन इन टक्करों के बाद भी वो आपस में चिपके रहे। गैस के ये बादल सूर्य के चक्कर काटते हुए सघन होते गए और ठोस रूप धारण करने लगे। इस तरह हमारे सौर मंडल का जन्म हुआ और दूसरे ग्रह भी अस्तित्व में आए। दोस्तों, तो ये थी सूरज के जन्म की कहानी। अगले एपिसोड में हम जानेंगे सूरज से जुड़ी हुई और इंटरेस्टिंग बातें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।